ये एक क्रांतिकारी और सुधार के लिए बहुत ही उपयुक्त बजट है, देश में पारदर्शिता लाने वाला बजट है। आज शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा बजट दिया है, 6000 करोड़ की बढ़त है, तो ये 10% लगभग बढ़त है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए इसका हम विस्तार से बोलेंगे। टुडेज बजट इज अ रेवोल्यूशनरी बजट, अ बजट विच इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड, बजट विच इज ऑनर्स द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, इट इंसेंटिवाइजेस टू कम टू ब्रिंग एवरीबडी इन टू द टैक्स नेट एंड विथ अ लेसर टैक्स, एंड इट्स बजट ऑफ फार्मर, यूथ, वीमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिथरटो निग्लेक्टेड सेक्टर्स, एंड इट्स अ बजट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ ह्यूज अमाउंट, सो इट्स अ मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दैट हैज इंक्रीज, एंड देयरफॉर दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड प्रोग्रेसिव बजट, प्रो पीपल प्रो पुअर बजट। प्रामाणिक करदाताओं को सहूलत देने वाला है, गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान और महिला, युवक, सबको मौका देने वाला बजट है। तो ये एक सबका बजट है, सबका साथ सबका विकास, इस वाक्य को चरितार्थ करने वाला ये बजट है। और ये बजट एक तरक्की को, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, ये समझना चाहिए कि ये देश का विकास अब बहुत गति से, तेज गति से होगा, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रखी है, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन भी किया है। तो मुझे लगता है कि किसान के लिए 10 लाख करोड़ मिला है क्रेडिट, और वो भी सस्ते में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योगों को जो राहत मिली है, छोटे और मंझले उद्योगों को इनकम टैक्स में बहुत भारी सहूलत मिली, और 5 लाख तक जिनकी आय है उनको भी लगभग अब लगभग कर का बोझ एकदम कम होगा। तो सबको कर देना चाहिए और कर के लिमिट में आकर शांति से नींद लेनी चाहिए, यही संदेश है इस बजट। पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिफॉर्म का, पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिफॉर्म तो बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि चेक से ही बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे, लेकिन बॉन्ड जिनको देंगे तो वो किसी को, किसी पार्टी को भी दे सकता है जिसको चाहिए, और उसको हैरेसमेंट उसके कारण नहीं होगी। तो ये, लेकिन काला धन नहीं चलेगा, काले धन के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। कैश ट्रांजैक्शन पर भी जो लिमिट लाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और 2000 से ज्यादा रुपये अब कैश में पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन नहीं ले सकते।